हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हो आप सभी? सब मस्त हो? सब कुछ हो? अभी बजे हैं मॉर्निंग के 8:30 और आरू लगा रही है अभी पोछा, तो देख सकते हो। हेलो आरू। हेलो राम राम। राम राम, कैसे हो? बस बढ़िया। आज है अमावस्या तो हमारी धूप लगेगी आज। तो मम्मी से कराता हूँ मैं, राम राम। अरे यार, मम्मी तो घूम गया, चलो मम्मी से मिलते हैं। और ये इधर पूजा घर में पूजा करनी है भाई साहब की, पितर देवता हमारे। राम राम। राम राम जी, राम राम, सबको राम राम। तो अभी दियावती करेंगे। लिया ये दूध? हाँ, दूध लेके आए आज अमावस्या, तो ज्यादा दूध लेके आया हूँ मैं। दूध लेके आया हूँ मैं, एक में तो 1.5 किलो, इसमें तो है 1.5 किलो, इसमें है 1 किलो। धूप लगेगी हमारे, तो चावल भी लेके आया हूँ खीर वाले। और अभी वापस चलते हैं मार्केट, कुछ ना कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा मुझे। चलो बाय बाय। तो अभी कचौड़ी लेने आ गया हूँ, फटाफट से कचौड़ी लेते हैं और चलते हैं घर। ये सराय देखो, पता नहीं क्यों पहले इसमें मिर्ची बड़े ले लिए उधर से, और अब आप कचौड़ी लेने आओ यहाँ पे। आज अमावस्या, घर पे आ गई है कचौड़ी और आलू खोल रही है। देखो ठंडी होने रे, ये तो बड़ बड़ती गर्मा गर्म। मम्मी लगा रही है अभी आटा, और ये पोछा लगा रही थी। अभी आए हैं हमारे पार्सल, ये देखो इसमें है बैग, सूटकेस, इसमें है स्टोव, गैस स्टोव, और वो वाला बड़ा वाला बैग। बिकॉज क्या सीन है कि हम, आप सोच रहे होंगे कि पहले मंगाए थे हमने, तो ये अभी खुशी और आ गए हैं। कचौरी छोड़ दी आज, माता जी को डॉग भेज गए, तो पीहू का कल बर्थडे है तो उसको ड्रेस दिलाने आए। कल नहीं, परसों। खुश रहो बेटा, खुश रहो। 27 सितंबर को कुछ और भी है। तो गाइस देखो, ये वाला स्टोव मंगाया हमने, गैस स्टोव, इस कंपनी का, देख सकते हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी लगा के चेक करेंगे। अभी तो क्या है, दूध गर्म हो, खीर बन रही है आज अमावस्या है। और पीयू का बर्थडे है 27 तारीख को, तो ये पार्टी देगी खतरनाक वाली पीयू, तो आप सबको आना है। तो अभी बैग खोल रहे हैं और देखते हैं ये कैसे आए, इनको भी चेक कर लेते हैं यार, इनको चेक करना जरूरी है। गाइस हम बहुत खतरनाक खतरनाक इंसान है, पता है क्यों? क्योंकि इनकी रेटे डाउन हो गई थी बीच में। जो सही है ये साइज बहुत परफेक्ट है, मैंने इसको पहले भी बोला था भाई ये वाली साइज मंगाई, बिकॉज उस साइज में ये जो पुराना बैग पड़ा है कुछ यूँ, हाँ उससे बड़ा है वो, तो मुझे वो तो बहुत छोटा है था यार, यार है ये बहुत शानदार है बैग, बहुत परफेक्ट है अपने लिए, अपने दोनों के लिए, और फैमिली के लिए है इतना बड़ा। अगर हम पूरी फैमिली कहीं जाएंगे तो उसके लिए भी है हमारे पास बहुत बड़ा। उसको भी खोलो, इसको वापस पॉलिथीन में डाल दो। कितना साल की गारंटी थी? 3 ईयर। 3 ईयर गाइस, देखो 3 ईयर ग्लोबल वारंटी। ये तो जिंदगी भर खराब हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये वारंटी कार्ड, वाह बेटे मौज कर दी। ये उससे छोटा, ये आया बहुत बड़ा, उससे छोटा क्या है? नहीं नहीं कौन है, बढ़िया रही आपा, कौन दिया दी जल्दी आ गया। आज आ गए सही रहे ना, परफेक्ट। और अपन तो गाइस ये राखी रेडी हो चुकी है, अब निकल रहा हूँ मैं मार्केट। पीयू का बर्थडे है तो उसके लिए लानी है ड्रेस, तो ड्रेस लेने जा रहे हैं अभी, तो वो वेट कर रहे हैं वहाँ। लाली दीदी भी जाएगी और चला गुड़गांव ले रहा हूँ। चलो चलो इसको ड्रेस दिलाने, इसका बर्थडे है परसों, तो अभी से ही दिला देते हैं, क्या गिफ्ट देंगे सरप्राइज। ये पहले के बर्थडे में हमने दी थी जो ही है, अभी भी खराब नहीं हुई। खराब नहीं हुई क्योंकि ये बड़ी नहीं होती, पता नहीं क्यों। बस ये ऐसे के ऐसे ही रहेगी, छुटकी। मौसम हो रहा है बहुत ही बेहतरीन, तो चलो चलते हैं। तो आ गए इसके ड्रेस देखने, तो देखते हैं कैसी लग रही है, ये कैसी लग रही है पीयू। तो गाइस ये वाली मेरी तरफ से, और लाली दीदी ने ये वाला पेंट और ये वाली दिलाई है, ये पसंद की थी बट ये लाली दीदी की पसंद का, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये मेरी पसंद है। हाँ ये दोनों का सेट है, और ये वाली मेरी तरफ से, कितनी अच्छी पसंद है लाली दीदी की, ये वाली बेस्ट लग रही है, ये वाली मेरी पसंद है, ये झूठ बोल रहा है। तो लाली दीदी इनके लिए जींस देख रही है खुद के लिए, और खुशी ने तो ले लिया कुर्ता। लाली दीदी कितनी अच्छी पसंद है गाइस, देखो इतना अच्छा कुर्ता लिया इन्होंने, लो। और ये खुशी ने लिया है
ये पसीने लिया है इसके लिए ब्लैक कलर में, और ये मांग रही है इसके लिए लोअर और टी शर्ट, तो इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं मिलेगा ये लोअर टी शर्ट। इसके लिए भैया दिखा देगा ना आपको, अच्छा उधर के साइड है। हाँ, चलो इसके लिए, ओके। इसके लिए वन पीस ले लेते हैं ना, कपड़े उपड़े लेके फ्री हो चुके हैं, अब निकल रहे हैं हम घर। खुणते फोन कर बाल मम्मी। तो गाइज अभी ये भैया और ये दीदी मिले हैं, तो ये कोटा से आए, तो ये मेरे फ्रेंड को मिल गए थे, तो उसने कॉल करके बताया कि आपसे मिलने आए थे, इनको घर लेके चलते हैं, चले घर। तो अभी घर पहुंच गए हम, और दीदी और भैया बहुत दूर से आए, तो मिलना भी जरूरी था, अच्छा भी नहीं लगता हमारे को अगर इनसे नहीं मिलते तो। तो इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब तो मेरी बेटी नहीं आई, वो बहुत खुश होती है आप लोगों को देख के। अच्छा बाइक में नहीं आती? हाँ बाइक में तो सफर अच्छा नहीं रहता, ज्यादा लोग हैं। तो इनका बाबू है, क्या नाम है आपका? अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई करते हो आप? हैं वेरी गुड, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल गए। चलो बात करते हैं फिर बनाते हैं ब्लॉग। तो आज हमारी लाइटें भी नहीं आ रही थी, अभी जस्ट लाइट आई है, इसलिए पंखा भी जस्ट बंद हो गया, वापस गई है, इन्वर्टर थोड़ा सा चार्ज हो गया इसलिए वापस वाईफाई चल गया, वह लाइटें वापस गई, 2 बजे आएगी अभी 1:30 बजे। और भैया से और दीदी से मिलके बहुत अच्छा लगा हमें। दीदी बोल रही है कि मैं आकाश जी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मेरे लिए बोल रही है। हाँ भैया मैं आपकी बहुत, ये बोल रही है कि क्या ही बोला जाए, डायलॉग के फैन है मेरे। चलो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। जो मिलने आता है ना उनसे तो मैं मिलके रहता हूँ। देखो अभी आपने उससे कॉल करवाया, मैं चाहता तो मना भी कर सकता था लेकिन अच्छा नहीं लगता। वो नेहरबाग बालाजी पूछ लेते ना आप, तो बहुत परफेक्टली मिल जाता आपको। तो सबको एक चीज बता दो कि नेहरबाग बालाजी पहले आओ आप, फिर वहां पे पूछो पुष्पांजलि स्कूल, इन्होंने गीतांजलि पूछ लिया था उधर, इसलिए गलत रास्ते चले गए थे। पुष्पांजलि भी कितना तो थोड़ा टाइम लग तो पता आती है जल्दी। पुष्पांजलि वाला ने पूछ लिया था दुकान जाना। हाँ वो बता दे, तो वो बता। चलो कोई इशू नहीं है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आखिरकार मिल ही गए। मुझे आप लोगों की प्रीति मेरी बहुत अच्छी लगती है। आना कभी कोटा हो तो उधर। हाँ हाँ बिल्कुल भैया। तो चलो भैया और दीदी निकल रहे हैं अभी, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, तो हम भी चलते हैं अभी, थोड़ी देर आराम करते हैं। मैंने खुद ने नहीं देखे अभी तक खड़े खड़े, खुद रहे क्या? हाँ वो कोटा में बिल्कुल बिल्कुल आएंगे आएंगे। हाँ है ना, सेवन वंडर्स है, बहुत अच्छी चीज। सेवन वंडर्स याद है मुझे, सेवन वंडर्स तो हमेशा याद रहेंगे। सात आठ वो जो बुतुम चुहारू। ओके भैया थैंक यू सो मच आप आए। तो गाइस अभी बजे हैं शाम के 5:30, और अभी आरू बनाएगी रोटी, और हमने स्पेशल चूल्हा मंगाया था ये, जो कि अभी लगानी है बिकॉज हमारे ये जो है पाइप खुल नहीं रहा इसका, तो अभी इसमें बनाते हैं फिर लगाएंगे। रोटी बनाओ, रोटी बनाओ आप, फिर तेल भी बनानी है अपने को। तो अभी हम जा रहे हैं माता रानी की, आज है अमावस्या, तो माता जी जा रही है, और ये झाड़ू निकाल रही है अभी, इसके बाद ये खाना बनाएगी, जब तक हम आ जाएंगे तो चल के आते हैं। वैसे तो बहुत भीड़ रहेगी वहाँ पे, तो देखते हैं कितनी भीड़ है, तो चलो चलते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं माता जी के दरबार में, और चलते हैं अंदर, तो देखते हैं माता जी के दर्शन कराता हूँ आप लोगों को अमावस्या के। चलो चलते हैं, तो गाइस माता रानी के दर्शन कर लो आप, ये है माता रानी। हाँ गुड्डू पैसे डालने के लिए बोल रही, पेटी में दान पेटी में लो, डालो डालो, वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार गुड्डू अब डाल पकड़, आपसे तो गए नहीं गए, वेरी गुड। तो गाइस जब अमावस्या की भीड़ दिखाता हूँ मैं आपको इधर, आज तो फिर भी कम है लेकिन हर बार बहुत खतरनाक रहती है। देखो इधर इधर के साइड में कितने हो रहे हैं, और अभी जो बिस्तर दिख रहे हैं सब यहाँ पे जो पैरालाइज वगैरह हो जाते हैं माता जी के लिए, तो यहाँ पे ठीक होकर निकल जाते हैं वापस। तो चलो इधर भी डॉक आते हैं पहले, इधर से जाली लगी हुई है तो दूसरी तरफ से चलना होगा। तो गाइस खाना खाने का टाइम हो चुका है, और आज हमारी बनाई है स्पेशल हल्दी की सब्जी, मुझे बहुत पसंद। सॉरी चीक आ गई गाइस, मुझे मुझे तो बहुत पसंद, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। और हम माता रानी के जाके आए थे अभी जस्ट, आपको बताएं आज इतनी भीड़ नहीं थी, आज इतनी भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, आज अमावस्या के दिन भी भीड़। तो गाइस मम्मी और भी खा रहे हैं अभी खाना, तो गाइस सभी बजे हैं रात की 11, और अभी जस्ट मैंने मैगी बनाई है, देखो कितनी टेस्टी मैगी बनाई है मैंने,
और ये अभी जस्ट नगेस को तो पानी डाल दिया क्योंकि अभी आरो बर्तन साफ करेगी इसलिए आसानी होगी। चलो मैगी लेके चलते, इसमें है नींबू सोडा जो कि मैं भरवा के लाया था बस स्टैंड से, बहुत अच्छा लगता है ये भी। चलो चलते हैं अभी खा लेते हैं। तो मैगी को रूम में ले आया मैं और अब आरू भी खाएगी देखो। मैं नहीं खा रही हूँ, मेरे को जबरदस्ती खिला रहे हैं। आपके लिए बनाया हूँ मैं, झूठ बोल गया नहीं तो खा लो आप लोग भी। तो गाइस एक चीज क्लियर करता हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सूटकेस दोबारा क्यों मंगाए इन्होंने, ये ट्रॉली बैग क्यों मंगाए दोबारा, तो हमने दोबारा नहीं मंगाए, जो पहले के थे उनको रिटर्न कर दिया हमने। बिकॉज उनमें क्या सीन था कि जैसे ये वाला बिकता ना तो ये हमारे को 3,300 रुपए का पड़ा था पहले, लेकिन अभी 2,200 मतलब 2,200 रुपए का आया ये है ना, और ये 1,650 रुपए का ना अभी तो, और पहले था 2600 का 68 सेंटीमीटर वाला ये, और 78 सेंटीमीटर का ये है। और ये गैस स्टोव मंगाया हमने 2100 रुपए का, ये मैंने खोल के दिखा दिया था। हाँ दिखा दिया मॉर्निंग को देख लिया था इसको, दिखा दिया, बहुत 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 कंफर्टेबल है ये। और फैमिली टूर के लिए बड़ा वाला मंगा लिया, और हम दोनों के टूर के लिए ये वाला मंगा लिया। अगर सिंगल हम दोनों जाएंगे ना कपल तो उस हिसाब से कपल के लिए ठीक है, और फैमिली के लिए बहुत बड़ा है ये वाला। अगर हम पूरी फैमिली कहीं जाते हैं तो वो बैग यूज करेंगे। चलो मिलते हैं, हाँ रख लो। तो ये चीज के लिए और थंबनेल भी इसका ही लगा देंगे यार, निंजा टेक्निक गाइस आप लोग देख लेना यार, डरना मत, इसका लगा देते हैं। एंड 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 आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। कैसा लगा व्लॉग, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उस साइड में जो बेल आइकन का बटन दिखता है ना उसको भी दबाना ना भूले, उसको दबाना ना भूले, उसको दबाना ना भूले, ना भूले। बाय बाय।